अरे आराम से खाओ, आराम से खाओ। पापा, पापा मुझे जाना होगा। कहाँ? पापा मैं ही ने ब्रेकफास्ट किया होगा कि नहीं? जॉनी रीटा। आलिया, पहले ब्रेकफास्ट खत्म करो। सदा, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? You've also gone through a lot, तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है। और मेरे को देखने के लिए हम सब हैं ना, रमन की पूरी फैमिली, ईशु, शगुन सब हैं। Don't worry about him. In fact, तुम घर के बाहर नहीं जाओगे आज, आराम करोगे। प्लीज मेरे से किसी और दिन मिल लेना। अपा मेहर की रिकवरी स्टेज है, 24 घंटे हॉस्पिटल में उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए उनका ध्यान रखने के लिए। ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि सिर्फ तुम्हें हो जो उसका ख्याल रख सकती हो। हाँ, वहाँ हॉस्पिटल में जो पूरा स्टाफ है, बाकी सब लोग हैं, सब बेकार है। आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे मेहर से मिलना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अपना हाइपर क्यों हो रहे हो? अगर वो मेहर से मिलना चाहती है तो इट्स फाइन ना, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, ये मेरे साथ चल लेगी। मनीष इज गोइंग थ्रू सो मच ट्रॉमा, वो एक बार मेहर को देख लेगी कि वो ठीक है, शी फील बेटर। एंड एनीवे मैं सोच रही थी कि एक बार इसका बॉडी चेकअप भी करवा लूं। मेहर के लिए कल सब वर्थ है, लेकिन आलिया से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा था वो कैसा फील कर रही है। गाड़ी में आलिया भी तो थी, गुंडों को इसने भी तो फेस किया है। आई जस्ट फील कि सेकेंड ओपिनियन के लिए हमें एक बार इसका फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। ओके। ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम निकलते हैं। रिलैक्स एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुहीर से मिलने की चिंता तुम अब मत करो, मैं हूँ ना। नीलू जल्दी करना। हाँ भैया, अभी लगा देते हैं। तो काम कर, रहने दे, मैं ऐसे ले जाऊंगा, मैं खा लूंगा रास्ते में। ओए ओ खोतिया, किथे जा रहे हैं? नहीं दौड़ दौड़ के, ये क्या तरीका है? मम्मी जी ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। अच्छा मम्मी जी, आपको मैंने बहुत सारा, मेरा कोरियर आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, प्लीज जैसे आज मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके। की आने वाला है? ऐसा केड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है जिसकी तेनों इतनी चिंता हो रही है? कल रात से तो कितनी बार कह चुका है मैंने। मम्मी जी इंपॉर्टेंट पेपर है, तभी बोल रहा हूँ ना आपसे मैं। वैसे भी वो पेपर मुझे मीका को दिखाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज अपने पास संभाल के रख लेना और सीधा मुझे देना वो पेपर। मीका के लिए? आंटी ये क्या बोल रही हैं आप? रोमी ने कहा है कि ये पेपर्स मीका के लिए है। अब तो मैं खुद भी बड़ी परेशान हूँ, पता नहीं कैसे पेपर है। नोमी क्यों हुआ बता मेरे को। आंटी कहीं ये डिवोर्स पेपर्स तो नहीं है? पागल हो गई तू, की गल कर रही है? आंटी और क्या हो सकता है, मीका अपने मायके में रह रही है और रोमी को शायद फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आंटी मुझे लगता है कि शायद रोमी मीका को डिवोर्स देना चाहता है। वो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो उस खोते का मुंह तोड़ दूंगी। मैंने उसे सांची से बात करते हुए सुना था, वो उसे कह रहा था कि वो सब ठीक कर देगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। इसका मतलब वो कहीं डिवोर्स पेपर्स तो नहीं है? डिवोर्स पेपर्स भिजवा के मीका से तलाक लेकर सांची से शादी करना चाहता है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उस सांची के तुम्हें टोटे टोटे कर दूंगी, उसको पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। उसी ने रोमी का दिमाग खराब किया है, मैं जरा उसका दिमाग ठीक करके आता हूँ। आंटी एक मिनट, हम अग्रेशन में आकर कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। प्लीज एक मिनट, पहले पेपर्स को आ जाने दीजिए। और रोमी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता है। और एक बार पहले हम इशू से बात करेंगे, उसकी एडवाइस लेंगे और फिर ही देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा हाँ, गल तो तेरी ठीक है, हो सकता है कि वो पेपर कुछ और ही हो, डिवोर्स के पेपर ना हुए हैं, और हुए भी तो फिर ठीक है, पहले शीता से गल करेंगे। ये किस पेपर्स की बात हो रही है? क्या वो सच में डिवोर्स पेपर्स है? तो अब बात यहां तक आ गई है। इतना सुंदर रोज, लेकिन मेरी रूही से ज्यादा सुंदर नहीं है। थैंक यू सो मच। अब मैंने सोचा कि भाई कोई नहीं है मेरे क्यूट से और मेरे हैंडसम से मामू को रोज देने के लिए, तो मैं ही उन्हें रोज दे देती हूँ। गेट वेल सून मामू। थैंक यू सो मच। पता है हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अब कैसा फील कर रहे हो? मच बेटर सिमी दी, थैंक यू सो मच। एंड सिमी दी खाने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी था, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग बेटर। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहा तू? अब कुछ नहीं भाई, वो आदि नहीं आया, मुझे मिलने भी नहीं आया, मैंने उसे फोन भी किया था लेकिन
उसने फोन नहीं उठाया, ठीक तो है ना वो? जनाब ऑफिस गए, कहते हैं कि पापा और चाचू नहीं है तो ऑफिस को इधर संभाले, हमारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बड़ा हो गया हमारा आदि। सही बोला आपने भाई, आदि बड़ा भी हो गया है और जिम्मेदार भी। आई एम वेरी हैप्पी। भाभी भाभी क्या बात है, आप नाराज है मुझसे? मुझसे बात भी नहीं कर रही। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत को ही लेके बस फिक्र हो रही थी, और कुछ कहाँ हो सकता है। कैसे हैं आप? Much better, nurse. Thank you so much. और आपकी गर्लफ्रेंड वो नहीं आए? मेरी गर्लफ्रेंड कौन? अरे वही जो कल आई थी, कहना पड़ेगा, बहुत ही बहादुर लड़की है, गुंडों से लड़की है, आपको यहाँ तक लेके आई। आई एम श्योर वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्या नाम था उसका? हाँ आलिया। कल हॉस्पिटल पूरा सर पे उठा लिया था। आप तो बहुत लकी हो जो आपको ऐसी गर्लफ्रेंड मिली है। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, ये लोग सिर्फ साथ में काम करते हैं, नीर उसका बॉस है। बहुत छोटी है आलिया, नीर और कुछ नहीं इनके बीच में, प्लीज। नहीं सर, कल आपने उसे नहीं देखा, वो इनके लिए इतनी वरीड थी, यहाँ से हिलने से भी रेडी नहीं थी और मुझसे जोर जोर से लड़ रही थी। ऐसा तो गर्लफ्रेंड ही करती है ना, और ये भी कह रही थी कि मीर को कुछ नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे गॉसिप करने आई हैं क्या? आपको बोला ना इन्होंने कि कुछ नहीं है तो। रमन ये ना फ्रूट्स मैंने काट के रखे हैं, मीर को दवाई भी देनी है ना, तो आप प्लीज ये खिलाना, और आप आइए ना मुझे प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। आइए। ये शिमा को क्या हो गया? जरूर कोई बात है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ का काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कौन देखेगा वहाँ का काम? कमाल के पागल हो गए तू, बूढ़ा खुजट। वैसे एक्चुअली यार जितना बूढ़ा तो है उतना दिखता नहीं है तू। सॉरी सॉरी मैडम, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब से मेरी कंप्लेंट मत कीजिए। आप एक नर्स है, आप टेंशन मत लीजिए, आप वैसे भी बहुत हेल्प कर रही हैं। प्रिस्क्रिप्शन आप बस फ्रेश बना दीजिए और वो दे दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। इशमा कुछ हुआ है क्या? मतलब आप सुबह से बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, बहुत टेंशन में लग रहे हो, कोई बात है क्या? इशमा अगर कुछ ऐसा है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या? बात कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट मैं जाके देखूँ एक बार, मिहिर ने फ्रूट खाया भी नहीं, उस पता नहीं है, दवाई भी तो देनी है ना। तुम नर्स से ना प्रिस्क्रिप्शन ले लेना और दवाई ले आना जल्दी से, वी नीड टू गिव इट टू हिम। हाँ शिमा मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और अगर आपको नहीं बताना है तो इट्स ओके, लेकिन शिमा आई होप यू नो कि मैं आपके साथ हूँ। ओके लेकर आ जाओ, कोई तो बात जरूर है, और ये पक्का आदि भैया के बारे में। सर हेट्री से मोहन साहब आए। बैठिए, बोलिए। जी मैं मीर सर से मिलने आया था, लेकिन पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ अभी अभी मैं हूँ यहाँ पर, आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। आप रमन सर के बेटे हैं ना, लेकिन आपको कंपनी ज्वाइन करके टाइम ही कितना हुआ है, आपको कुछ नहीं पता है फैक्ट्री के बारे में? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे फैक्ट्री के बारे में कोई बात करनी चाहिए, मीर सर सालों से फैक्ट्री संभाल रहे हैं और उन्हें फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप एक बार बताइए क्या बात है। अरे आदित्य वल्ला जी, आप क्या समझेंगे हमारी प्रॉब्लम, जब से आपने कंपनी संभाली है कभी एक बार भी आए हैं फैक्ट्री में, तो आपको क्या पता होगा? देखिए आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, मैं ऐसा करता हूँ मीर सर से बात कर लूंगा, और दो तीन दिन की बात है, वो एक बार ठीक होके आ जाएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। चलिए मैं निकलता हूँ। सर चाय तो पी लो। नहीं फिर कभी। Excuse me!
मेरे ही ऑफिस में आके आप मुझे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? हाँ, और क्या मीर साहब लगा के रखा है? कौन सी बड़ी तोप है वो? मैं कह रहा हूँ ना, जो भी बात है आप मुझे बताइए। देखिए मिस्टर आदित्य, आप मेरे से चिल्ला नहीं सकते, तमीज से बात कीजिए मेरे साथ प्लीज। अरे हाउ डेयर यू, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? धीरे बात कीजिए, आप मेरे ऑफिस में खड़े हैं। देखो तुम मुझे जानते नहीं सर। हाँ, अपनी आवाज नीचे कर, नीचे करके बात कर, समझा? बच्चा है ये बच्चा, वीर साहब होते ना तो अभी इसका कान पकड़ कर इसको समझाते कि किससे कैसे बात करनी है। बाहर निकल मेरे ऑफिस से, मुझ पर हाथ उठाने की ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी तुझे आदित्य बिरला। हाँ, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, ट्रेड यूनियन तक। बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता। मेरे ऑफिस में खड़ा होके मुझे ही धमकाएगा? सुन, कल से ना काम पे आने की जरूरत नहीं, और अपना हिसाब कर और निकल यहां से। तेरे जैसे फैक्ट्री चांस बहुत मिलते हैं, मुझे धक्का देते हैं मुझे। अब तक मैं तेरी धमकी करता हूं आदित्य बल्लो। मोहन साहब, मोहन साहब, आदि साहब ऐसे नहीं है, वो तो बहुत समझदार है, कुछ हो गया होगा, वो बेचारे बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं? हां, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे काम से निकालेगा मुझे? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। थोड़ी सी अभी। अरे सिस्टर, ये क्या, मैंने खाना खा लिया है, मैं नहीं खा सकता बस। अरे थोड़ा सा खा लो ना आलिया, खिलाओ ना। मर जाऊंगा मैं। अरे इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं खुद खा लूंगा, इट्स ओके, थैंक यू। अरे इतना प्यार से खिला रही है। महेश तुम पेशेंट हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। मेरी इतनी भी बुरी हालत नहीं है, मैं खा सकता हूँ, बट जेन्युइनली मैं अभी और मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खा पाऊंगा, और सीरियसली ये एप्पल भी नहीं, आई एम डन, इट्स ओके। अच्छा तो क्या खाया तुमने? वो रमन भाई और रिश्ता भाभी आए थे, सिमी दी ने खाना पैक करवा के भिजवाया था, तो मैंने वो खाया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बाद में खा लूंगा, ओके? अब मैं इस साइड पे। आंटी आप आई, आई अभी अभी डाके आया था, ये लफाफा लेकर गया है। देखिए ये वही पेपर तो नहीं है जिनकी गल कर रहा था रोमी? ओह माय गॉड आंटी, खोल के देखे क्या कहीं डिवोर्स पेपर्स नहीं है। जल्दी जल्दी, क्या बात है मम्मी जी? कुछ नहीं, पता वो क्या क्या बात हो गई, क्या बात कर रहे थे आप लोग? कुछ कुछ वो ओह नो, ये तो मीका के हाथ लग गया। ये क्या है? ये तो रोमी के लिए है। अरे कोई बात नहीं, रोमी के लिए है ना, तो देख लेते हैं। पर ये आया कहाँ से है? रोमी देख रहे ना पुत्र, इसका तो मतलब ये होया कि रोमी ने तलाक के पेपर भेज दिए। मैं पता नहीं और क्या होएगा, एक ही हो गया। अब मिस्टर मेहर की रिपोर्ट्स तो काफी अच्छी हैं, लेकिन इनके वुंड्स हील होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए हमें इन्हें यहीं पर रखना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट में जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर साहब, आई थिंक एक मरीज जब घर वालों के साथ रहता है तो ज्यादा जल्दी रिकवर करता है, हॉस्पिटल में घड़ी घड़ी बीमारी का एहसास होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं मिहिर को घर ले जा सकता हूँ? उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, आई अश्योर यू, प्लीज। ही इज राइट, मैं हूँ ना मिहिर की तब तक देखभाल करूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। मिहिर मेरे घर आएगा। एक्चुअली क्या है शगुन, तुम अकेली कितना ध्यान रख पाओगी? हमारे घर में लोग ज्यादा है तो मिहिर वहाँ ज्यादा कम्फर्टेबल होगा, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा अच्छे से देखभाल होगी। शगुन, रमन भाई सही कह रहे हैं, आई मीन वहाँ पे
मम्मी जी हैं, सिमी दीदी हैं, इतने सारे लोग हैं, आई थिंक इट विल बी इजियर और मैं कंफर्टेबल रहूंगा, तुम लोगों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली, ही इज राइट। मिस्टर मिहिर जहां पर कंफर्टेबल है इन्हें वहीं पर रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। मिहिर हमारे घर, आदि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तो बस तेरा मिहिर हमारे साथ जा रहा है। हेलो, बोलो। क्या आदि ने हाथ उठाया? Are you sure? Because आदि क्या बात कर, आदि भी फोन दो, उसे बात करता हूँ। ऑफिस से निकल गया वो, ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, What is wrong with आदि यार, बच्चा है। आदि कहाँ है तू? मैं घर पे हूँ पापा। मुझे ऑफिस से फोन आया था, तूने किसी पे हाथ उठाया ऑफिस में? मेरे के एब्सेंस में मुझे लगा तू ऑफिस में काम संभालने जा रहा है। ये काम संभाला तूने? नहीं पापा, मैं इतना कैपेबल हुई नहीं कि किसी और की जिम्मेदारी ले सकूं, और मुझे किसी और की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। आदि तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऑफिस में जाके वर्कर पे हाथ उठाया, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, क्या हरकतें कर रहा है तू? अगर काम नहीं होता ना तो घर पे बैठ, कोई जरूरत ऑफिस आने की। अरे हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, खड़ा हूँ मैं सबसे बड़ा। प्लीज नहीं बात करनी। रोहन प्लीज जस्ट स्टॉप इट, आदि को वक्त की जरूरत है। आपसे और फोन क्यों काट रही हो तुम? उसकी छोड़ो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसी तरह दो दिन से तुम्हें हो क्या क्या है? जब से मिहिर का एक्सीडेंट हुआ है तुम नहीं हो, you're somebody else, कहीं खोई हुई हो तुम। आदि अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो लोगों पे चिल्ला रहा है, मिहिर का नाम लेते ही तिमतिमा रहा है, और जब मैंने अभी कहा कि मिहिर को घर ले जा रहे हैं तो तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं था। अब ये मत कहना कोई बात नहीं है, there is something I know। वो क्या है? जितना कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, तुम जानती हो विल सॉर्ट इट आउट यार। क्या हुआ आदि, ऐसा है तुम ऐसी हो? बात का दिल टूट गया है। क्या हुआ है, कैसे दिल टूटा है उसका? आलिया मिहिर से प्यार करती है और आदि को पता लग गया है। आलिया मिहिर से प्यार करती है। इट्स नॉट पॉसिबल, दोनों का एज गैप देखो। आलिया मतलब मिहिर इज लाइक अ, आर यू श्योर दे? तभी वो नर्स कह रही थी कि उसे हॉस्पिटल सर पे उठ, तो जाहिर सी बात है फिर मैं आदि पे क्यों चिल्ला रहा हूँ? आदि तो बौखला गई, वो 24 घंटे जिसकी बात करता है, जिस लड़की से वो प्यार करता है, वो लड़की उसके उसके फेवरेट इंसान उसके मामा से प्यार करती है, तो आलिया का दिमाग खराब है तो क्या? उसकी कोई गलती नहीं है इसमें रमन, देखो ये इन्फैटुएशन भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि आदि आलिया से बहुत प्यार करता है, आलिया को मिहिर से प्यार हो गया, इसमें वो क्या कर सकते हैं? और हो सकता है उसने ठीक तरीके से सोचा भी नहीं होगा। इट कुड बी जस्ट क्रश। प्लीज अब तुम आलिया को डिफेंड कर रही हो यार। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं रमन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि उसने शायद सोचा भी नहीं होगा इस बारे में ठीक से। बच्ची है, इन्फैटुएशन होता है। और अब देखो ना, उसके अम्मा अप्पा नहीं है, मणि उसकी शादी हो गई है, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, पता नहीं कितनी अकेली है। अरे पागल है क्या, क्या गाइडेंस चाहिए? कि मिहिर आदि का मामा है, ये गाइडेंस चाहिए उसको? उसको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि आदि उससे प्यार करता है। तो तुम्हें लगता है मिहिर को पता है? सोचा अगर मिहिर को पता चल गया तो क्या होगा? और मैं इतना बड़ा बेवकूफ यहाँ से मिहिर को घर ले जा रहा हूँ, घर पे आदि बैठा है, जानती हो क्या कलेश होगा? I can't take Mihir home. Mihir को कहीं और जाना। अभी तुमने बोला कि हम उसको घर ले जाएंगे, उसको I don't care. इस वक्त मेरे बेटे की पड़ी है, मुझे मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। घर नहीं ले जा सकते। मीर को शगुन क्या जाने दो? शगुन वैसी मरी थी, उसे घर ले जाने को जान दो। शगुन मतलब मणि के वहाँ आलिया होगी रमन। I don't care. What matters to me is my son right now. और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरा फैसला ये बस। रमन मैं आलिया होगी, हम आलिया के पास थोड़ी ले जा सकते उसे। मीर, I think तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ मिहिर, आलिया इज राइट, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगी, एंड आलिया भी है ना मेरे साथ। प्लीज मिहिर, तुम अपनी बहन के साथ नहीं रहोगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। दैट्स इट, तुम्हें मेरे साथ ही आना पड़ेगा, अदरवाइज आई रियली फील बैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा मिहिर। डोंट वरी, मैं अब भाई मुझे लगता है कि मैं शगुन और मनी के साथ ही रह जाता हूँ। मुझे भी ऐसे लगता है कि तुझे शगुन के ही जाना चाहिए। पापा, मैंने बिल पे कर दिया, ये लो आपके पास। मीर, आई एम सो हैप्पी कि तुम हमारे साथ चल रहे हो, हम अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और देखना यूं ठीक हो जाओगे तुम। सारी बातें तुम इसके साथ घर पे भी कर सकती हो, ये तो तैयार हो जाओ, ऑल ड्रॉप में मुझे ऑफिस भी जाना है। डॉक्टर साहब, घर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बताइए प्लीज।
रूही मामू को लेकर चलो, एक मिनट रुकना। मुझे बात करनी है तुमसे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।